चंडीगढ़ से लगभग 350 किलोमीटर दूरी पर कुल्लू वैली में नॉर्थ साइड के एंड पर व्यास नदी के किनारे बसा है मनाली। रास्ता यहाँ से आगे लाहौल स्पीति भी जाता है और लेह की ओर भी जाता है। मनाली एक ऐसा डेस्टिनेशन जो हिमाचल प्रदेश का वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर डेस्टिनेशन है। तो मैं वीरा, मेरी दुनिया विद वीरा में आज आपको मनाली की यात्रा कराऊंगी और रोहतांग पास की भी। तो देखिए, ये जर्नी भी हमारी बाय रोड ही हुई थी। कैसे? पहले हम लखनऊ से चंडीगढ़ गए थे और फिर चंडीगढ़ से हमने टैक्सी हायर करी थी, मैं और मेरी माँ, सिर्फ हम दोनों थे। अब यहीं से सारा कैच शुरू हो गया। जैसा कि मैं कहती हूँ कि जब आप हायर करते हैं टैक्सी, तो आपकी सारी यात्रा आपका ड्राइवर कैसा है इस पर डिपेंड करती है। एंड अनफॉर्चुनेटली जो ड्राइवर भैया हमारे साथ आए थे, वो टैक्सी उन्हीं की थी और इसीलिए उनका ईगो लेवल काफी हाई था, जो कि हमको पूरे रास्ते झेलना पड़ा, क्योंकि चंडीगढ़ से मनाली की दूरी अच्छी खासी है। जब आप पहाड़ के 350 किलोमीटर कहते हैं ना, तो वो प्लेन्स के लगभग 450 किलोमीटर के बराबर होते हैं, जिसमें हमें एक वन नाइट हॉल्ट मंडी पर भी लेना था। पर देखिए, जर्नी तो हमने करी और हमने मजे भी किए। लॉर्ड मनु के नाम पर बनी है मनाली, मनु आलय, आलय माने घर। तो जब प्रलय समाप्त हुई तो कहा जाता है कि मनु ने अपनी नाव मनाली में ही उतारी थी नए जीवन की शुरुआत करने के लिए, इसीलिए इसे वैली ऑफ गॉड्स भी कहा जाता है। जब हम सेबों के बागान पार करते हुए मंडी में एक दिन गुजार कर मनाली पहुंचे, तो भाई शुरू में तो हमारा दिल बहुत टूटा, क्योंकि मनाली बड़ा ही कंजस्टेड लगा हमें। तो हमने अपने ड्राइवर भैया से कहा कि भाई आप थोड़ा सा आगे ले चलिए, और आगे जाकर दाएं हाथ पर एक अलग रास्ता जाता है जिसे वशिष्ठ विलेज कहा जाता है। हमें थोड़ा सा अलग दिखा तो हमने अपने ड्राइवर भैया से कहा कि आप गाड़ी जरा इस रास्ते पे बढ़ा दें। एंड डू यू नो व्हाट, हमेशा की तरह जब भी मैंने चांस लिए हैं, डील्स बहुत अच्छे हाथ में आए। तो एक बहुत ही बढ़िया अमेजिंग सा होटल जिसमें बहुत ही आरामदायक बिस्तर थे, जहाँ से पूरी वैली का व्यू बहुत औसम था, जहाँ से सामने व्यास नदी दिखाई पड़ रही थी और सामने बर्फीले पहाड़ों का झुंड था, उस होटल में हमें जगह मिल गई और वो भी बहुत ही अच्छे प्राइस में, क्योंकि उस होटल का इनॉग्रेशन नहीं हुआ था, इसीलिए वहाँ पे रेट्स काफी कम थे। शायद उस होटल का नाम होटल ओरा था, पर मैं यकीन से नहीं कह सकती। होटल के मैनेजर ने हमें बेस्ट रूम दिया था। हमारे रूम से ही हमें पूरे पहाड़ों का नजारा सामने दिखाई पड़ता था, और हमारे रूम के ठीक सामने ही एक बड़ी सी टेरेस थी जिसपे रोज रात को बॉनफायर जलाई जाती थी। हाँ, साथ में कुछ हनीमून कपल्स भी रहते थे और कुछ हो हुल्लड़ करने वाले लड़के जिनसे आप बच नहीं सकते हैं। और खासकर जब ये लड़कों का झुंड एक जगह इकट्ठा होता है, तो पता नहीं क्यों उन्हें लगता है कि मजे करने का मतलब है जोर जोर से बातें करना, जोर जोर से गाली गलौज करना और ढेर सारे ड्रिंक्स लेना। पर कोई बात नहीं, मनाली सुंदर था और हम उसकी सुंदरता के बीच ही रुके हुए थे, तो हमने इन सब चीजों को ज्यादा माइंड किया नहीं। पहला दिन तो हमने मनाली में बिताया। जब हम दिन में हिडिम्बा देवी का टेम्पल देखने गए, शाम को मनाली गोम्पा गए और 5 किलोमीटर दूर ही नेहरू कुंड है, जहाँ से भृगु ऋषि पानी लेते थे, ये भी कहा जाता है। ये छोटे मोटी जगहों पर जा करके हम शाम को नदी के किनारे आकर बैठ गए और फिर रात को हमने बॉन फायर के किनारे बैठ करके अमेजिंग कॉफी का मजा लिया। और अगले दिन हमें जाना था रोहतांग पास। अच्छा, रोहतांग पास जो है वो बहुत ही खूबसूरत जगह है, क्योंकि वो पूरा बर्फ से लदा हुआ है। यहाँ से एक दूसरा रास्ता किलोंग होते हुए लाहौल स्पीति लेह की ओर जाता है, और मनाली का मेन अट्रैक्शन भी रोहतांग पास है, जो कि 51 किलोमीटर दूर है। अब प्रॉब्लम ये है, क्योंकि हर आदमी रोहतांग पास जाना चाहता है,
इसलिए गजब की भीड़ होती है वहां पे। सुबह 3 बजे ही हमारे टैक्सी वाले भैया हमें लेके निकल पड़े कि आगे जाके ट्रैफिक जैम आपको जबरदस्त मिलने वाला है, और उनकी बात सही भी थी, लेकिन जाते वक्त नहीं, ये बात उनकी लौटते वक्त सही निकली। जाते वक्त तो हमने सनराइज देखा सोलंग नल्ला के पास, 13 किलोमीटर दूर है मनाली से, और एडवेंचर स्पोर्ट्स का गढ़ भी है ये। बहुत सारे एडवेंचर स्पोर्ट्स होते हैं यहाँ पर, लेकिन स्पोर्ट्स के साथ साथ ये पूरा एरिया जो है ये बिल्कुल पिकनिक वाला एरिया है। आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपको मन करेगा यार एक कैंप यहीं पे लगा लेते हैं, बिल्कुल इन वादियों के बीच में, और सबको टाटा बाय बाय कर देते हैं, फोन भी ऑफ कर देते हैं। हमारा मन भी ऐसा ही किया, लेकिन हमारे ड्राइवर साहब तो गाड़ी भगा रहे थे, उन्हें रोहतांग पास तक हमें पहुंचाना था, तो उन्होंने हमें जल्दी ही 11 बजे के आसपास रोहतांग पास तक पहुंचा दिया। और वहां पे हमने देखा कि भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आदमी से आदमी टकरा रहा था, जबकि वहां पर जाने के लिए परमिट भी लेना पड़ता है और वहां पर नंबर पर भी रिस्ट्रिक्शन है। इसके बावजूद न जाने कितना आदमी वहां पर बर्फ पर बिखरा हुआ था। दिल टूट सा गया, वो जो बर्फ के गोले मारने का सपना था वो भी नहीं पूरा हो पाया, क्योंकि सबके जूतों की वजह से बर्फ भी काली सी लग रही थी। तो क्या हुआ कि मैं और मम्मी ने ड्राइवर भैया से कहा कि ड्राइवर भैया थोड़ा सा गाड़ी आगे बढ़ाई जाए, और फिर हम रोहतांग पास से तकरीबन 1 किलोमीटर दूर आगे आ गए, जहां पर झकाझक सफेद पहाड़ थे एक दूसरे के साथ बिल्कुल लिपटे हुए, और दूर तक सिर्फ और सिर्फ वही दिखाई पड़ रहे थे, और कोई भी इंसान आसपास नहीं था, था तो सिर्फ एक रोड और ढेर सारे पहाड़। वहां पहुंच करके हमने चैन की सांस ली, लेकिन जैसे ही पैर हमने नीचे रखा वो नीला आसमान और सफेद पहाड़ तो हमें ना दिखाई पड़े, हमें तो एक तेज चाटा पड़ा कटीली हवा का। एक बार फिर से हम उल्लू बन गए, ठंड का पता ही नहीं चलता है कि कितनी जबरदस्त ठंड होती है इस तरह की जगहों पर। दांत किटकिटाते हुए हम उस जगह पर आगे बढ़े, और हमने पास में एक छोटा सा ठेला खड़ा हुआ था जिस पर ताजी ताजी मैगी बन रही थी, तो हमने वहीं पर मैगी का मजा लिया, और दूर से जो रोहतांग पास दिखाई पड़ रहा था जिस पर लोग बर्फ पे फिसल रहे थे, एक दूसरे को गोले वही गंदे वाले मार रहे थे, और तरह तरह के बर्फ वाले स्पोर्ट्स भी खेल रहे थे, वो सब हमने देखा लेकिन दूर दूर से। और फिर हम वापस आ गए, और वापस आते हुए रास्ते में टैक्सी के ड्राइवर जी से हमारी जबरदस्त बहस हुई, क्योंकि ये लोग क्या करते हैं जब पहाड़ पे गाड़ी चढ़ाते हैं या उतारते हैं तो एसी ऑफ कर देते हैं। पर आपको पता है रोहतांग पास से जब आप मनाली आ रहे होते हैं तो दिन में कितनी तेज धूप होती है, कितनी गर्मी होती है कि आप पसीने से नहा जाते हैं और सर घूमने लगता है, और आधे से ज्यादा तबीयत तो इसी वजह से खराब हो जाती है। पर उन जनाब ने हमारी एक न सुनी, उन्होंने एसी नहीं चलाया तो नहीं चलाया। पर आपको मैं बता दूं, जब मैं गाड़ी ड्राइव करके जाती हूँ तो मैं एसी जरूर ऑन रखती हूँ, क्योंकि जो पहाड़ी गर्मी है ना वो सीधे सर पे चढ़ती है और चक्कर आते हैं उससे। मनाली में वैसे सुंदरता तो बहुत है ही, यहाँ पे वाटर स्पोर्ट्स भी बहुत सारे हैं, जैसे रोइंग है, राफ्टिंग है, रिवर क्रॉसिंग है। तो रिवर क्रॉसिंग मेरा मन बहुत था ट्राई करने का, लेकिन मेरी माँ को बड़ा डर लगता है तो उन्होंने मुझे सख्त मना कर दिया। तो हमने किया क्या, हमने काफी टाइम वशिष्ठ विलेज में गुजारा, जहाँ पे वशिष्ठ जी का टेम्पल भी है जिसमें हॉट वाटर स्प्रिंग भी है। कहते हैं कि सारी बीमारियां इसमें नहाने से चली जाती हैं, तो हमने यहाँ पे नहाया भी। इसी के साथ साथ 1960 में जो मनाली गोम्पा बना है मेन मॉल एरिया में, हमने वहाँ पे भी काफी समय गुजारा था। और हिडिम्बा देवी टेम्पल जो कि 16 सेंचुरी में बना हुआ है, वही भीम जी की पत्नी हिडिम्बा के नाम पर, वहाँ पर भी हमने काफी समय गुजारा। टेम्पल तो बहुत छोटा सा है, लेकिन जो टेम्पल के आसपास का ग्रीन एरिया है जहाँ पे आप बैठ करके नेचर का नजारा ले सकते हैं, हमने भी ये सब किया। पर पूरी की पूरी मनाली ट्रिप में जो एक बात हमें लगातार खटकती रही वो ये कि यहाँ पर रश बहुत है, लोग बड़े आते हैं। मैंने देखा है
जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती जाती हैं, ऑब्वियसली लोगों का चार्म उस जगह को विजिट करने के लिए बढ़ता चला जाता है। लेकिन उस चक्कर में भीड़ इतनी ज्यादा हो जाती है कि उसे मैनेज करना पहाड़ी एरिया में बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि देखिए पहाड़ पे बहुत चौड़े चौड़े एरियाज नहीं होते हैं, सिर्फ सड़कें ही तो होती हैं, और उन सड़कों पर जब ढेर सारे लोग इकट्ठा हो जाते हैं तो भाई बड़ी दहशत सी होती है। लेकिन जो शाम हमने मॉल एरिया में गुजारी थी वो हमें काफी पसंद आई भीड़ होने के बावजूद, क्योंकि वहाँ पर रोज शाम को जो लोकल्स हैं वो ट्रेडिशनल ड्रेस पहनकर वहाँ पे लोकल डांस करते हैं, वहाँ का म्यूजिक जो है प्ले करते हैं, और इस वजह से पूरा माहौल बड़ा प्यारा सा हो जाता है। लेकिन भाई भीड़ की वजह से मॉल एरिया में हम एक ही बार गए, और वो भी हमें अपनी टैक्सी को बाहर ही छोड़ना पड़ा, यानी मॉल एरिया से काफी पहले छोड़ना पड़ा, और काफी लंबा वॉक करके हम मॉल एरिया तक आए। बताया ना मैंने, ट्रैफिक जैम्स बहुत होते हैं, गाड़ियों की कतार होती है। जब मैं मनाली गई थी तो वहां पर अटल टनल बन रही थी, अब इसे रोहतांग टनल भी कहा जाता है, 9 किलोमीटर लंबी है और इसे 24 किलोमीटर का डिस्टेंस कम हो जाता है, लेकिन तब नहीं बनी थी। तो हम तो पूरा पहाड़ी एरिया एक्सप्लोर करते हुए ही आए थे और ढेर सारी फोटोज भी खींचते हुए आए थे। उत्तराखंड और हिमाचल के पहाड़ों में काफी फर्क है। यहाँ पे देवदार के ढेर सारे पेड़ हैं, इन पहाड़ों पर ढेर सारी ग्रीनरी है, रोड्स भी बेटर हैं, पॉल्यूशन भी कम है, और सेब के बागान भी दिखते हैं, पहाड़ भी ऊंचे हैं और थोड़ा सा बेटर कंडीशन में हैं, और बर्फीले पहाड़ तो दूर दूर तक दिखते हैं। जब हम चंडीगढ़ से मनाली की ओर आ रहे थे तो हमारा नाइट हॉल्ट मंडी पे था, वही मंडी जो कंगना रनौत का घर है, चंडीगढ़ से 184 किलोमीटर दूर है। वहीं पे हम भीमा काली टेम्पल के पास में एक अच्छा सा होटल था, वहां रुक गए। मंडी अपने आप में एक बहुत अच्छा टूरिस्ट स्पॉट है, मनाली जितना सुंदर तो नहीं है लेकिन शांत है और काफी चीजें यहाँ भी देखने वाली हैं। मुझे पर्टिकुलरली जो जगह पसंद आई वो था भीमा काली का टेम्पल, बड़ा शांत से इलाके में बहुत ही अच्छे ढंग से बना हुआ है, और वहाँ जब आप बैठेंगे उसकी ऊंचाई पर तो आपको काफी कुछ मंडी दूर तक नजर आएगा। वहाँ बैठना शाम को मुझे बहुत अच्छा लगा, और भीमा काली टेम्पल से पैदल वॉक करते हुए अपने होटल तक आना भी मुझे बहुत अच्छा लगा। मैं और मेरी मम्मी, हम दोनों ने अच्छी खासी वॉक करी। तो मुझे मालूम है जो लोग मेरा ट्रैवल पॉडकास्ट सुन रहे हैं उनमें से कई लोग मनाली तो जा चुके होंगे, लेकिन आप अगर मनाली जाइए तो मेरी सलाह ये है कि आप वशिष्ठ विलेज की ओर रुकिए, पहली बात, और दूसरी बात, आप रोहतांग पास जब जाएं तो रोहतांग पास से 1 किलोमीटर आगे जाएं, आपको तब वहां के असली नजारे का पता चलेगा और वहां की असली ब्यूटी आप देख सकेंगे। और ये सब होने के साथ साथ शाम को व्यास नदी के किनारे आप थोड़ी देर जरूर बैठिएगा, और सेब के बागानों को देखने के बाद एक आध लाल लाल सेब भी तोड़ ही लीजिएगा। तो अगली बार मैं आपको कहां ले चलने वाली हूँ, देखिए सोचती हूँ और सोच करके आपको अगले ही पॉडकास्ट में बताऊंगी। आपको अगर मेरे पॉडकास्ट पसंद आते हैं तो मेरी दुनिया विद वीरा को फॉलो करिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि नए एपिसोड्स के अपलोड होते ही आप तक सूचना पहुंच जाए। तो मैं चलूं?